हमारा यहाँ से चेकआउट है हैवलॉक से पोर्टलैंड चढ़ने वाली है, तो अब देखते हैं कब चले। तो गाइस ये है वेलकम ड्रिंक जो कि हमें होटल में मिली है। हम मखना ये तब से ही जल रही है आई गेस। तो आप देख सकते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। तैयब ने ही मुझे बताया कि लिखा है डू नॉट टच, लेकिन हम फिर भी छू के देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। बट यहाँ पे खड़ा करके ना वो लेवर को खींचते हैं, सिल्कों से थ्रेड बनाया जाता था और यहाँ पे ऑयल मिल वही सेम। तो आज हमारा यहाँ से चेकआउट है हैवलॉक से पोर्टलैंड। तो हमारा लगेज पैक हो गया आप देख सकते हैं, और हमने सारा चेकआउट कर दिया, अच्छे से देख लिया, हमारा सामान तो ही रहा, और अब हम जा रहे हैं इस रूम को। कह दो बाय। काफ़ी अच्छा रूम था और काफ़ी अच्छी वाइफ थी, बट क्या करें जाना तो पड़ता है ना, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती संयम के अलावा। आज हम जल्दी आ गए, आज हम जल्दी नहीं आए, ऑन टाइम आए, एक महीना ट्रैवल लेट होकर तो गए थे आज। तो अब चलती है, तो जब हम पोर्टलैंड जाते हैं आपसे तभी मिलेंगे। बुफे था हमारा, हमारे रेस्ट वहाँ पे रिजॉर्ट में, मतलब वहाँ से पैक करा के ले आए हैं जो भी अवेलेबल था। मतलब कल भी हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे और आज उनका तो फायदा ही हुआ है, और आज फिर उन्होंने जो मिला वो पैक करके देखा, हम खाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये है वेलकम ड्रिंक जो कि हमें होटल में मिली है। हम पोर्ट ब्लेयर में आ गए हैं, आप होटल का एंट्रेंस देख सकते हैं, ड्रिफ्टवुड होटल है ये, ठीक है। और गाइस मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब थी मैं बता भी नहीं सकती, मतलब आते हुए मेरे को इतनी वॉमिट हुई बहुत ज़्यादा। बट फिर भी यार मतलब बहुत ज़्यादा इनकी भी हो गई थी ना, तो कैसे कंट्रोल किया मुझे पता ही नहीं। ये फ्लेवर कौन सा है बताएँ, अच्छा लग रहा है, मैं सहन कर सकती हूँ, मैं तो कभी मेरा मन नहीं है अब जब तक मतलब फ्रेश नहीं हो जाएगा मैं तो नहीं पी जाएगी। तो गाइस मिलते हैं डायरेक्ट अपने रूम। थोड़ी देर पहले मेरी जहरीली तबीयत खराब थी, नहीं लग रहा ना, यही तो टैलेंट है। तो गाइस दिस इज आवर होटल व्यू, दिस इज माय हस्बैंड्स व्यू। तो गाइस देख सकते हैं आप, बेबी बाल ठीक कर लीजिए आप अपने, वैसे तो आप हैंडसम बॉय लग रहे हैं। देख वो हरे को पर तो भी आप तो हैंडसम बॉय लग रहे हैं। मेरे बच्चे को ना आज वॉमिटिंग फील हो रही थी, ऐसे ऐसे करके बंद करके भैया मुझसे तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके कंट्रोल। आप देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, सच में यार मतलब इतनी हरियाली। अभी हमें 10 मिनट जाले लग रहे हैं इधर,
दिखाओ। जाले नहीं है वो, लाइट मेरे को लगी है। ये है हमारा रूम 301। अब हम चलते हैं अंदर, ठीक है। ये हमने एंट्री ले ली है और अब हमने गेट क्लोज कर दिया है। एंट्री लेते ही सामने एक मिरर है, ये कबर्ड हमें दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू है, आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। ये हमारे लगेजेस आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेड है। बेड के आगे इन्होंने एक सिटिंग एरिया बना रखा है, जहाँ पे लोगों को तमीज़ नहीं है, सिटिंग नहीं लेटे हैं पूरा। और ये हमें वेलकम गिफ्ट मिला है, देखेंगे इसमें भी क्या है। और यहाँ है टीवी पैनल। और वैसे देखो हुंडई का एसी, हुंडई वट एवर इट इज़, इसका एसी भी आता है, हमने तो सिर्फ कार सुनी थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक मिरर है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ हटा के। कर्टेंस आप देख सकते हैं, बेड के जस्ट साइड में बहुत प्यारा व्यू है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे है जो मैंने आपको दिखाया था। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये हमें मिरर दे रखा है, हेयर ड्रायर दे रखा है। गाइस ये था हमारा पोर्ट प्लेयर का ड्रिफ्टवुड होटल, तो कैसा लगा बताना जरूर। और कल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, वापस जाएंगे हैवलॉक, वहाँ पे जो हमारा विला है, दैट्स नॉट होटल दैट्स विला, वो आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। तो अब हम बहुत थक गए हैं, कुछ खाते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देख सकते हैं आप मेरी इतनी तेज़ मतलब लग गई है ना अभी यहाँ पे, वो वॉशरूम का गेट बंद करते करते मेरी जान निकल गई, दब गया बहुत तेज़। गाइस व्लॉग बंद करती ये इस पे टूटी, खोलो ये हमारा है वो क्या कहते हैं इसे, वेलकम अराइवल गिफ्ट। कुछ नहीं है, दो बिस्किट निकलेंगे और कुछ नहीं है, दो बिस्किट निकलेंगे और क्या होगा, क्या लिखा है। दिखाओ क्या हो, बिस्किट देखा वो मखना, मखाने, नमकीन, चॉकलेट, ओहो ऑल आर स्नैक्स। मुझे लगा यार कुछ खाने को होगा, मुझे तो मुझे लगा कुछ खाने को होगा बढ़िया सा, देख रहे हो इनका हाथ आ गया गेट में, यहाँ पे चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा ये। और अभी इनको इतनी तेज वॉमिट हुई है, इनको इतनी वॉमिट हुई है क्या बताऊँ। आज हमारी दोनों की तबीयत इतना हालत खराब हो गई उस क्रूज की वजह से सड़ी हुई। चलो कोई नहीं आ जा, अब हमें 3 बजे जाना है सेलुलर जेल। अब हम 3 बजे जाएंगे सेलुलर जेल, उसके बाद लाइट एंड म्यूजियम, लाइट एंड साउंड म्यूजियम। लाइट एंड साउंड म्यूजियम नहीं है वो सेलुलर जेल में शो है। अच्छा वही है शो, लाइट एंड साउंड शो है। अच्छा तो गाइस ठीक है, वही मिलेंगे फिर अब, ठीक है। बाय 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 बाय। आपको सामने दिख रही होगी रेड कलर की टीम दिख रही होगी, तो
वहीं से वो स्टार्ट है। अभी हमें पिक किया है ड्राइवर ने, ड्रॉप, सॉरी अभी ड्राइवर ने ड्रॉप किया। आप आज का आउटफिट मेरा देख सकते हैं। अच्छा ये हमने क्या पहना है वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो बस 4 बजे की एंट्री, मतलब 4 बजे तक एंट्री रहती है, 4 बजे के बाद एंट्री नहीं रहती, क्लोज हो जाती है। हमें अभी 3:42-3:45 मौसम नहीं हो रहा देखते हैं। और इसके बाद हमारे 5:30 बजे लाइट एंड साउंड शो है, तो उसके बाद फिर जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर से ड्राइवर हमें पिक करने के लिए आ जाएंगे। तो अब अंदर अगर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो ज़रूर अलाउड है, ठीक है। फिर अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या है अंदर। बेसिकली इसको सेलुलर जेल को आपने सुना होगा, काला पानी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो देखो लाइन लगी हुई है सामने। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये है स्वतंत्र ज्योत, ये तब से ही जल्दी आई गैस, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर क्या है वो भी मुझे नहीं पता, उसमें गाइड इंक्लूड नहीं था। तो हम अगर ऐसे वर्बली पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्वाइट। तो एक बार सामने वो शायद कोई पोल है, ठीक है। तो अभी हम जब वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो क्या चीज़ है, बाकी आपको और व्यू दिखाते हैं कि और जगह क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ हैं, यहाँ से पता नहीं सांस भी कोई कैसे ही ले पाता होगा। और वो आपको सामने दिख रहा होगा वो जेल्स हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे तब आपको अच्छे से दिखाएंगे, वो है जेल्स। और ये है सीएम प्रजापति, ये है सीएम का आउटफिट। ये बस भूख 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 लाओ, बस भूख लगती रहती है आपको, है बस भूख लगती रहती है। वैसे इधर आओ सर, वैसे खतरनाक सी नहीं लग रही दिखने में, मतलब चलो ये तो अब एक वो बना दी, अब तो उसको अच्छा कर दिया। नहीं अच्छा कर दिया, ये तो सोचो कि चारों तरफ पानी है और मतलब कैसे रहते होंगे, सांस तक नहीं आता होगा, भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, है ना भाई, सच में। और आप ऊपर देख सकते हैं वो मूवीज में नहीं आता ऊपर से अनाउंसमेंट्स होती हैं, एक गैलरी थी उस टाइम में, देख सकते हैं। खोलो तो गाइज अंदर परमिशन दे दिया जाने की, देखते अंदर क्या है। दैट टाइम दिस वॉज द गैलरी, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ का आपको दे रखा है ब्रीफ में, फ्रंट व्यू ऑफ गवर्नमेंट हाउस, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको गैलरी में अवेलेबल मिलेगी। तो गाइज अब मैं आपको जेल दिखाने वाली हूँ, मतलब मेरा देख के ना थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि लोग कैसे यहाँ पे रहते थे, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। हम पूरी जांच कर रहे हैं, देखो यहाँ से कुंडी, यहाँ से कुंडी लगती थी इतनी बड़ी और वो यहाँ आती थी। अब ओ शिट, मतलब कुछ अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा मतलब इनकी डेथ यहीं पे हुई है? नहीं नहीं, तो यहाँ पर रखा गया था। अच्छा इन्हें रखा गया था, ओ खाना यहाँ से देते थे गाइस। ओ माय गॉड, मैं गूज बम्प आ रहे हैं, मतलब देख रहे हो पंखा नहीं है कुछ नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। दिखाते हैं आपको दूसरी जेल में जाके कि क्या है यहाँ गाइस। आप देख सकते हैं जेल भी है और इधर भी सबसे जेल भी है, कितना सफोकेटेड हो जाता होगा, कुंडियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे। और खाना देखो यहाँ की कुंडी है, कुंडी खोल के ही खाना देते हैं यहाँ पे। और आप ये पास देख सकते हैं, मूवीज में ही देखा था आज तक। तो यहाँ पे दो गार्ड रहते थे बस, हाँ दो गार्ड, तो कोई गाड़ी जरूरत नहीं थी, गार्ड की कोई नीड ही नहीं है। मतलब यार आप देख सकते हैं वहाँ क्या है, वैसे ही कुछ तुम भी बोल रही हो आज मैं, मतलब यार क्या बना बोले, पूरा ऊपर दिखती है, मतलब नहीं कोई वॉक नहीं हुआ यहाँ पे, वॉक हुआ होगा, मतलब मुझे तो नहीं लगता। वो आपकी बात अलग है कि भाई थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया लोगों के, टूरिस्ट प्लेस, हाँ थोड़ा सा रेनोवेट तो हुआ ही है।
सेम है वो भी जेल है। ये ऑक्टोपस की शेप है ना यार ये वाला, इसके भी एक पैर है। कोई दूसरे को देख भी नहीं पाता था ना कैदी, देखो कैसे देखेगा, कैसे देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंटर्नीज सेलुलर जेल में 1930 पंजाब के हैं ये, ठीक है, यूपी के हैं, बंगाल के हैं। ये देख सकते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। सैयम ने ही मुझे बताया कि ये वाले में हाथ बांधते थे, यहाँ पे आपके पैर फंसाते थे और आपको उल्टा करके आपके बम पे बजाते थे। आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक जिंदगी बना रखा है। तुम्हें सब पता है बेटा, मैं देख कर गया हूँ। मतलब गाइस आप देख सकते हैं। और इधर क्या है? अच्छा कौन सी शेप में बना रहे हो? वाह आज भी ना बड़ी गर्मी है। मिलते हैं आपसे आगे, देखते हैं क्या क्या आपको खाना है। आप सामने देख सकते हैं कि ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऑक्टोपस की शेप में बना है ताकि एक कैदी दूसरे कैदी को ना देख सके। राइट, एम आई राइट? ओके। एक्चुअली आप ये देख सकते हैं, ये है शायद एकदम न्यू, मतलब क्या कहते हैं उसको, पहले वाली, यहाँ रेनोवेशन नहीं हुई। देखें आप उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल नहीं कुछ और वर्ड बोलते हैं। अरे हाय, सैयम कहाँ चले गए? सैयम वेयर आर यू? ओ शिट, नहीं ये तो वो है, लेकिन आप देख रहे हो कितना, ओह माय गॉड, क्या सकते हैं रेप्लिका ऑफ सेलुलर जेल कि वो कैसी थी। यहाँ पे मॉडल बना रखा है, कुछ ऑक्टोपस बताया था ना मैंने, ऑक्टोपस की तरह बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बीच में ना, और इधर जेल लिखा है डू नॉट टच, लेकिन हम फिर भी छू के देखेंगे। ईटे नहीं है ये, क्या है फिर वो? शोबाजी होगी शायद। चलो चलते हैं, थक गया यार। किंग वाटर था, दिखाते हैं कहाँ था। अच्छा हमारे लिए है, ओ गाइस मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक, हमारे लिए है, उनके लिए था नहीं। हाँ वो घूमेंगे थोड़ी, और देखो ब्लॉक्स बना रखे थे, ब्लॉक 6 वहाँ पे, ब्लॉक 7। देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, बट उसके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ेगा फिर अंदर आना पड़ेगा। पे है इस जेल का मैप, और आप देखें कि जैसे 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं। अब दो में ही जाने की हिम्मत हुई है, दो में जाने की नहीं हुई है, सब सेम है एग्जैक्टली। बस वीर सावरकर की जो सेकंड फ्लोर पे है लास्ट जेल, उनकी सेलुलर जेल थी, वहाँ एक सेल है ब्लैक कलर का बॉक्स, उसमें उनको बंद करके रखा था, मतलब छी। देख सकते हैं कि एक हट की शेप में है, पता नहीं ये कैसे है क्या है। फांसी गाइस यहाँ पे फांसी दी जाती थी, ओफो। यहाँ पे खड़ा करके ना वो लेवर को खींचते थे, तो एक दरवाजा नीचे खुल जाता था, वो लटक जाते थे लोग। यहाँ पे लोगों को खड़ा करते हैं, तीन लोगों को, तीन लोगों को, एक दो तीन, ओ शिट, 1 2 3 ठीक है। फिर इसको लेवर को खींचते थे तो दरवाजा नीचे हो जाता था। ये
और उनको फांसी लग जाती थी, वो नीचे लटक जाती थी। चलिए हम जा रहे हैं नीचे। ओ, ओ, तो क्या होता था यहाँ, कौन से गेट खुलते थे ये वाले? तो गाइस यहाँ लटकते थे लोग, आप देख सकते हो भाई साहब कितना खतरनाक। चलते हैं ऊपर, भाई डर लग रहा है यार, मेरे से वैसे भी फोबिया। कार्यशाला वर्कशॉप, यहाँ पे वर्क करवाते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स से। यह है ऑयल मिल, यहाँ पे ऑयल निकलता था। अब चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ आपका होगा कुछ, वो मुझे पता नहीं। अच्छा गाइस वहाँ पे ना जो नारियल होता है उसके छिलकों से थ्रेड बनाया जाता था, और यहाँ पे ऑयल मिल वही सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिंग फ्रेम है, वो जो अंदर लगाया हुआ है ना इस तरीके से, वो इस पे आदमी को रख कर मारते थे। तो वो रियल है, ये उसका डेमो दिया हुआ है। और सामने देख सकते हैं आप क्रॉस बार फेटर्स, ये है बार फेटर्स, ये है चेन फैक्टर्स, इनकी पनिशमेंट ड्रेस होती थी। ये चेन फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके कुछ मुझे ना अच्छा, इनके खड़े होने का पोस्टर ऐसा होता है। क्रॉस बार फैक्टर्स लाइक क्रॉस करते हैं, बांधा हुआ है उनको, है ना, उनके बीच में हुआ है ना, पैरों के बीच में। और जो बार फैक्टर्स हैं ये वाला इजी, अच्छा ये पनिशमेंट का लेवल है ना, कि ये थोड़ा इजी है, ये उससे थोड़ा मीडियम, वो बिल्कुल हार्ड है। ओके हम तो खुद ही समझ लेंगे, गाइड से कम है क्या पनिशमेंट। सुनो हम दिल्ली से हैं, गाइड की जरूरत नहीं। फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब फांसी से पहले इच्छा पूछी जाती थी यहाँ पे खड़ा करके, आप देख सकते हैं। आगे मिलेगा यार, कितना आ गया, चलने की हिम्मत नहीं है यार। चलो तुम ले आओ यहाँ बैठेंगे फिर आगे।